हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका श्रम कार्ड भूल चुका है, आपको अगर श्रम कार्ड का नंबर भी नहीं मालूम है, तो सिर्फ आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से ऑनलाइन श्रम कार्ड जो भूला हुआ है आसानी जो है निकाल सकते हैं, अगर आपका नंबर भी नहीं मालूम है तो। अगर आप चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को फ्रेंड या रिलेटिव के पास आसानी से जरूर है शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी अगर श्रम कार्ड भूला हुआ है तो उन लोग आसानी से इस वीडियो को देखकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। श्रम कार्ड आपका भूल गया है तो मोबाइल से आप लोग किसी आसानी से जो है जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल की किसी भी एक ब्राउजर को जो है ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में ई श्रम लिखना होगा। ई श्रम लिखने के बाद जो आपका यह फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा, इसी लिंक पर जो है आप लोग क्लिक जो है वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप लोगों को जो है क्लिक करना होगा रजिस्टर फॉर ई श्रम कार्ड। आपको इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज जो है ओपन होगा। तो सबसे पहले हमारा एक श्रम कार्ड भूल चुका है तो हम चलिए उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, मेरे पास उसका कोई भी नंबर भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक ऊपर की तरफ यहाँ पर आना होगा, एक यहाँ पर आप लोग क्लिक करना होगा मेनू वाला ऑप्शन पर। मेनू वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑलरेडी रजिस्टर, तो ऑलरेडी रजिस्टर वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड यूएनए कार्ड, तो आप लोगों को जस्ट इसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद कैप्चा को आप लोग यहाँ पर इंटर कीजिएगा, उसके बाद सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना आधार नंबर फिलअप कीजिएगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है चूज करना होगा ओटीपी। ओटीपी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। आपके आधार पर जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पर इंटर कीजिएगा, इसके बाद वैलिडेट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय जो है वेट करना होगा। अब आपका यहाँ पर प्रोफाइल जो है आ चुका है। श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है क्लिक कीजिएगा अपडेट ई केवाईसी। अपडेट ई केवाईसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड यूएनए कार्ड, तो आप लोग इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका जो है लेबर कार्ड भूल चुका है, ई श्रमिक कार्ड जो है भूल चुका है, तो देखिए पहले जैसा जो है आ चुका है। आप इसको प्रिंट कर आप अपने पास जो है रख सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भूले हुए श्रम कार्ड को आसानी से ऑनलाइन मोबाइल से घर बैठे जनरेट करना सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। अभी आपके मन में अगर डाउट चल रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे जो है मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके एक सवाल पूछ सकते हैं।